नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ में फ्लूकोनाजर टू हंड्रेड एम जी टैबलेट के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया एक टैबलेट है हर मेडिसिन शॉप में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा फ्लूकोनाजर आपको दो सौ एम जी में मिल सकता है वन फिफ्टी एम जी में मिल सकता है तो ये दोनों स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है तो ये मेडिसिन कैसे यूज़ होता है इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है क्या चीज़ इसको आपको मान के चलना चाहिए हर चीज़ लेके मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा एस डी आर टी वी चैनल में मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप तो दोस्तों फ्लूकोनाजल टैबलेट जो मेरा पास है इसका ब्रांड नेम है आपका एफ सी एन टू हंड्रेड बोल के और जो कंपनी इसको बना रहा है उसका नाम है इंटस इंटस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड और इसका जो एम आर पी है फोर्टी वन पॉइंट नाइन्टी फोर परसेंट इसका एम आर पी है ठीक है इसमें जो एक ही मॉलिकल है जो कि आपका फ्लूकोनाजल टू हंड्रेड एम जी में है और इसमें दो टैबलेट होता है जो कि आपको इस तरीके के पत्तों में मिल जाएगा आपको ठीक है तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है किस तरीके से यूज़ होता है यानी कि किन बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है तो दोस्तों बहुत रीजन हो सकता है कि पेशेंट के शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन बहुत जगह हो सकता है शरीर में किसी भी हिस्से में भी हो सकता है जैसे नखून में हो जाता है फंगल इन्फेक्शन या फिर गुप्त अंग में किसी कारण से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंडर भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये फंगल को रोकने के लिए यानी कि जो फंगल डेवलपमेंट होता है इसको रोकने के लिए मेनली फ्लूकोनाजल टाइप का मेडिसिन यूज़ किया जाता है अब फ्लूकोनाजल जो मेडिसिन है ये आपका दो सौ में भी आता है वन फिफ्टी में भी आता है ठीक है तो इसका जो डोजेस है वो डिपेंड करता है आपका पेशेंट के ऊपर पेशेंट का किस तरीके का जो आ, जो फंगल इन्फेक्शन हो चुका है वो किस तरीके का है उसको वन डोज देना चाहिए टू डोज देना चाहिए दिन में एक बार लेना चाहिए अब दिन में दो टाइम लेना चाहिए ये किस तरीके से लेना पड़ेगा ये टोटल डिपेंड करता है पेशेंट का जो हेल्थ है उसके ऊपर ठीक है तो खुद से खरीद के मत खाइए और डॉक्टर के सलाह अनुसार इसे लेना चाहिए और ये हर कोई मेडिसिन शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो आप वैसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो ऑनलाइन भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा नॉर्मली दोस्तों ये लेने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे आपको ईटरों या फिर फ्लू इस तरीके का कोई मेडिसिन में आपको एलर्जी है तो दोस्तों आप ये यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लीजिए आपको अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर लिवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कैंसर के पेशेंट हो आपको इसे लेना चाहिए ये सब कुछ डिपेंड करेगा पेशेंट की हेल्थ के ऊपर हेल और डॉक्टर के ऊपर तो दोस्तों ये लेने से पहले ये जो दो तीन चीज़ मैंने जो आपको बताया कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है किडनी का प्रॉब्लम है अगर आप कैंसर के पेशेंट हो या फिर आप टी बी का पेशेंट हो इस तरह का कोई भी पेशेंट है अगर आप फुल का लेना चाहते हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए अगर जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है या फिर जो प्रेगनेंट महिला है उन्हें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर और उनके हेल्थ के ऊपर तो खुद से खरीद के इसे मत खाइए और इसका जो साइड इफेक्ट है नॉर्मल इसका साइड इफेक्ट ये लेने के बाद आपका शरीर में डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है डायरिया प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन ये कुछ देर के लिए होता है अगर ये कॉन्स्टेंट होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके जो सब्सिड्यूट ब्रांड होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग डी आर टी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों है नाइस डे